यह धारावाहिक पूर्ण रूप से काल्पनिक है। इसमें दिखाई जाने वाली घटनाओं, पात्रों और चरित्रों का किसी यथार्थ सामंजस्य से एकमात्र सहयोग होगा, जिसका उत्तरदायित्व इस धारावाहिक के निर्माता, निर्देशक, लेखक, कलाकारों व दूरदर्शन पर नहीं होगा। ये कॉलेज की पिकनिक है और हमारा पूरा फ्रेशर्स बैच जा रहा है इसमें। अलीबाग नहीं नहीं, मैं तुझे इतने दूर नहीं भेजने वाली। आज के बाद आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि गांव वाले सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पास ही जाएंगे, ऐसे लोगों के पास नहीं जाएंगे। क्या क्या उसने? वो जिद कर रहा है कॉलेज के पिकनिक पे जाने के लिए। अब घर पे मैं अकेले कैसे रहूं? बिल्कुल नहीं, मैं समझाता हूं उसको। मेरा मतलब है कि सर में किस पार्ट में दर्द हो रहा है? ये बहुत दर्द है। चलो डॉक्टर के चलो अभी। डॉक्टर साहब, मैं रात को डिनर नहीं खाती हूँ, तो अपने लिए तो मैंने मना कर दिया था। पता होता आप भी नहीं खाते तो आपका भी ऑर्डर नहीं देती मैं। अरे नहीं, बहुत अच्छा बना है खाना। अच्छा रियली? एक काम कीजिए, जरा ऊपर देखिए तो। देखिए देखिए। अच्छा मुझे बताइए कि इस वक्त आपकी प्लेट में एग्जैक्टली क्या क्या रखा है, बता सकते मुझे? नहीं बता सकते, वो इसलिए क्योंकि आपका ध्यान तो है ही नहीं यहाँ पर, है ना? नहीं नहीं, मैं खा रहा हूँ ना। Well, हो गया आपका डिनर अब तो। So sorry, just a minute. क्या रही हो? हेलो। हेलो पापा, आपसे दो मिनट जरूरी बात करनी थी। बेटा मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करूं? पापा just one minute। मुझे सिर्फ आपसे इतना कहना है कि कॉलेज की पिकनिक जा रही है और मुझे भी जाना है। सी अंबर, मैं भी बाहर हूँ और अगर तुम भी चले जाओगे तो तुम्हारी मम्मी अकेली रह जाएगी, तो प्लीज मेरे आने के बाद चले जाना। पापा बाद में कैसे जाऊंगा, कॉलेज की पिकनिक है, रोज रोज थोड़ी ना होती है। लेकिन मुझे तो तुम्हारे कॉलेज से कोई फोन नहीं आया। पापा कॉलेज है, स्कूल थोड़ी है कि बार बार आपको फोन करेंगे। हाँ लेकिन तुम भी तो प्रॉब्लम समझो ना मेरी। पापा मैंने आपकी प्रॉब्लम समझे नहीं क्या? क्या आप अपना विलेज वाला कैंप पोस्टपोन कर सकते थे? विलेज के कैंप की डेट्स फिक्स थी। पापा वैसे पिकनिक की डेट भी फिक्स है, आगे पीछे नहीं हो सकती ना। ओके ठीक, थैंक्स पापा। पापा प्लीज आप एक बार मॉम को भी समझा दो ना। अमर क्यों मुझे इसमें फंसा रहे हो, तुम बात कर लो ना अपनी मम्मी से। पापा वो नहीं मान रही है, तभी तो कह रहा हूँ ना। ओके ठीक है, तुम फोन रखो, मैं बात करता हूँ नंदिनी से। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय। यस गॉड, ये मेरा बेटा अंबर भी ना कुछ मुसीबत क्रिएट करके रखता है मेरे लिए। क्या हुआ? मेरी एब्सेंस में कॉलेज की पिकनिक पर जाना है उसे, अब जबरदस्ती नंदिनी से बात करनी पड़ेगी मुझे। अरे खाना तो खा लीजिए डॉक्टर। नहीं एक बार फोन कर लेता हूँ, नहीं तो फिर वो मेरी जान खाएगा। एक बार निपटा लेता हूँ फिर चैन से बैठकर खा लूंगा। करेक्ट। हेलो। हाँ नंदिनी, वो अंबर का फोन आया था कॉलेज के पिकनिक के बारे में। बेकार की जिद कर रहा है, आपने समझा दिया ना? नहीं उसी ने मुझे समझाया। क्या है, कॉलेज ने पिकनिक अरेंज की, उसके हाथ में नहीं है। तो जाने दो उसे। और मैं अकेली रहूं घर में? क्या फर्क पड़ता है, रात तक तो लौट ही आएगा ना वो। और अगर ऐसा ही है तो सुकृति ताई को बुला दो ना। कुछ काम है तो ताई के पास जाओ या फिर ताई को बुला लो, है ना? जैसे ताई फ्री में बैठी है। तो मत बुलाओ, जैसा भी है देख लो। अरे आपको क्या जल्दी फोन रखने की? खाना खाना है मुझे। खाओ खाओ, मुझे तो कोई पूछने वाला भी नहीं यहाँ। नंदिनी मैं रख रही हूँ फोन, बाय। नंदिनी खाना खा रहे। All well? Yeah, so far. चलिए अब तो खाना खा लीजिए। Oh yeah, sorry. See you. Good night. Good night. लो
आ गए reasons for headache. ओ पुत्र reasons for headache नहीं, constant headache देख. Mom, सब आ जाएगा इसी में. सारे तरह के headache पूछेगा ये options में. सारे options नहीं चाहिए, be specific. Mom, मैं निकाल रही हूँ ना, क्यों relax. बस एक मिनट चुप रहो. ओ यार, ओ मेरे हिसाब से तो तुम लोग एक काम ही गलत कर रहे हो. ओ ऐसे भी कोई डायग्नोसिस होती है कि नेट पे? डैड, होती है डायग्नोस. और तो और, आजकल तो डॉक्टर्स भी आ जाते हैं ऑनलाइन. सी, डॉक्टर मैथ्यू इज ऑनलाइन. ओ यार, मैं नहीं कराना था अंग्रेज से इलाज, रहने दे तू. ओ पुत्र, तू अपना काम कर. एक कांसना डाली ये मैथ्यू नू. टेंशन मत लो मॉम, मैं जा ही नहीं रही हूँ उस बॉक्स की तरफ. लो, आगे रीजंस फॉर हेडेक. सबसे पहले है स्ट्रेस. स्ट्रेस? तुहानू केड़ा स्ट्रेस है? यार मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, इसमें लिखा है. सिमी तू और देख. दूसरा रीजन है टेंशन. टेंशन? ओ यार इनसे ये तो पूछ, स्ट्रेस में और टेंशन में फर्क क्यों होता है? किससे पूछूं? अपनी इस ऑनलाइन डॉक्टर से. डैड ये थोड़ी ना बोल रहा है, ये तो रीजंस फॉर हेडेक लिखे हुए हैं. ओ यार इसमें तो कुछ भी लिखा होगा. तू एक काम कर, इसको बंद कर, हटा. ओ तू इनकी बात ना सुन, तू आगे देख. ओ वाह वाह, ओ जिस बंदे की प्रॉब्लम है, जिसकी टेंशन है, उसकी मत सुनो और अपने मन में जो है वो करते चले जाओ. वेरी गुड है. थर्ड रीजन है अल्कोहल. क्या तुसी मेनू ए दसो, तुसी आजकल जाते किधर हो शामी? मैं कहाँ जाना वा यार, वो कितने दिन हो गए. वो बल्कि जब से मैंने जाना बंद किया है ना, वो तभी से मेरे सिर दर्द हो रहा है. अच्छा, ओ पुत्र पहले तू ये देख जरा कि सरदर्द जो है अल्कोहल की कमी की वजह से होता है या अल्कोहल ज्यादा होने से. What rubbish mom, अल्कोहल की कमी कहाँ से होगी बॉडी में? नहीं पुत्र, वो डेफिशिएंसी तो किसी भी एलिमेंट की हो सकती है बॉडी में. तू जरा अच्छी तरह चेक तो कर. ऐसा कुछ नहीं लिखा है इसमें, एक्सेस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल बस. देखो जी, मेरे से ना झूठ ना बोलना. वी आर ट्राइंग टू डायग्नोस समथिंग वेरी सीरियसली. ओ यार प्रीतो, ओ कैसी गल्ला कर रही है तू? ओ इतनी छोटी सी बात के पीछे मैं तुझसे झूठ बोलूंगा? ओ एक महीना हो गया जब मैंने ली थी, वो भी ट्विंकल की शादी में. ओ मैं तो ले भी नहीं रहा था, मना कर दी थी साफ. ओ तेरी कनाडा वाली मासी है ना, उसने इंसिस्ट करके पिलाई. अच्छा जी, बोल तो तुसी ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारा मन ही नहीं था. ओ प्रीतो, ओ मेरा मन तो पता नहीं क्या क्या करने को करता है, ऊपर क्या करूं, सब कुछ कर तो नहीं सकता ना. अच्छा, जरा बताओगे मुझे कि क्या क्या मन करता है और आपका? ओ छड़ यार, ओ खाली पीली मेरा भी हेडेक बढ़ जाएगा और तेरा भी सिरदर्द शुरू हो जाएगा. ओ सिमी, ओ तो एक काम कर, ओ ये चैप्टर ही क्लोज कर ऑनलाइन डॉक्टरी दा. ओ तू इनकी बात ना सुन, तू देख जरा और बताओ और कौन से रीजन है हेडेक के. क्या वो रुक क्यों गई? देख, ब्रेन ट्यूमर. चुप कर भाई, चुप. वो ऐसे भी कोई इंटरनेट से इलाज करता है क्या? हैं? अगर ऐसी नेट से इलाज हुआ करते ना, वो अब तक जितने भी डॉक्टर्स हैं ना, उनके क्लिनिक पे ताले बज चुके होते और खाली बैठे होते. वो गल करते हो? हाँ मॉम, डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं. इंटरनेट पे तो कुछ भी लिखा होता है. तो ठीक है फिर, सुबह चल के डॉक्टर को ही दिखा देते हैं कल. ये की ना तुमने समझदारी वाली गल, समथिंग सेंसिबल. तो एक काम कर, वो मेरे को एक कप चाय पिला दे. गिव मी अ कप ऑफ टी. हिंदी में भी समझ गई थी मैं. अंबर. हेलो रिनी. हाँ यार. क्या हुआ यार? एक प्रॉब्लम हो गई है. क्या प्रॉब्लम हो गई? कैसे बताऊँ, मतलब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा हो जाएगा.
अंबर हुआ क्या? टेंशन मत दो मुझे, हुआ क्या ये बताओ। देखो प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन डैड ने पिकनिक पे जाने की परमिशन दे दी है। अरे तुमको कैसे पता? तुम्हें क्या लगा एक्टिंग करना सिर्फ तुम्हें आता है? मुझे भी अच्छी एक्टिंग आती है। मतलब तुम उतनी स्टूपिड नहीं हो जितनी दिखती हो। नहीं, लेकिन तुम जितने दिखती हो ना उससे ज्यादा स्टूपिड हो। अच्छा और क्या? बाय द वे इसी स्टूपिड ने पिकनिक की परमिशन ली है। अच्छा लेकिन ये बताओ अंकल माने कैसे? अरे यार मान ही नहीं रहे थे, फिर मुझे उनकी दुखती रग पे हाथ रखना पड़ा। दुखती रग? हाँ, मैंने डैड को याद दिलाया अगर वो मेडिकल कैंप के बहाने मस्ती करने जा सकते हैं तो मैं पिकनिक पे क्यों नहीं जा सकता। ठीक है ना, कर लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ हाँ ठीक है ओके। अंबर बाद में फोन करता हूँ। माँ तूने उससे ये क्यों कहा कि तेरे पापा मेडिकल कैंप के बहाने मस्ती कर रहे हैं? अरे वो कुछ नहीं, मैं तो उसको बोल रहा था कि मेडिकल कैंप में डॉक्टर्स भी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और उनको भी थोड़ा चेंज मिल जाता है, वरना तो रोज क्लिनिक हॉस्पिटल यही शेड्यूल चलता है। अंबर सच सच बता, बात क्या है? माँ इसमें क्या सच और क्या झूठ? देख बेटा मुझसे छुपा मत, तुझे कुछ भी पता है ना तो मुझे बता दे। माँ प्लीज बेकार में शक करना बंद करो। अरे कोई बात नहीं है, सब ठीक है, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। गॉड, क्या है ये? अरे आप सोई नहीं अब तक? अरे मच्छरों ने पागल कर दिया मुझे। हाँ मेरा भी वही प्रॉब्लम हो रहा है, नींद ही नहीं आ रही उसकी वजह से। अरे आप मुझे बता देते ना। आप क्या कर लेती, मच्छर भगा देती? मतलब ट्राई तो कर सकती थी। तो अपने लिए क्यों नहीं ट्राई किया फिर आपने? That's a point. मेरे माना जी को फोन किया है कि वो मच्छरदानी का अरेंजमेंट करें। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। फोन साइलेंट पे, अंदर है, डोंट वरी, गो ऑन। हाँ नंदिनी क्या हुआ? अरे मैं बात नहीं कर सकती। नहीं कर सकती हो, तुमने अचानक रात को फोन किया। कमाल है, इतनी कौन सी आधी रात हो गई है? नहीं यहाँ गांव में तो ऐसे ही लगता है ना, लोग जल्दी सो जाते हैं यहाँ। ओके आप भी सो गए थे क्या? नहीं सोने जा रहा था मैं। अच्छा अच्छा सुनिए ना, आप जिस जगह रुके हो ना वहाँ की फोटो भेजिए ना प्लीज। क्यों? क्यों क्या, बस देखना है वो रूम कैसा है, वो बेड कैसा है और कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं सो रहा हूँ, मैं कहीं दूसरी जगह जा रहा हूँ सोने के लिए। क्यों? यहाँ थोड़े इंतजाम ठीक नहीं है और काफी मच्छर भी है इसलिए। लेकिन अभी तो आपने कहा कि मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ वही तो, कहीं दूसरी जगह जा रहा हूँ सोने के लिए। हो गया मैडम, मैडम हो। हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलो ना। कौन बोला ये मैडम? मैडम कौन बोला? नहीं कोई नहीं, वो टीवी का वॉल्यूम बढ़ गया। ए? आप टीवी देख रहे हो? अरे नहीं नहीं वो बात करते करते रिमोट का बटन दब गया। हाँ ऐसे कैसे दब गया? प्लीज तुम हर चीज में इस तरह क्रॉस क्वेश्चनिंग मत किया करो, बाद में फोन करता हूँ मैं तुम्हें। आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे कोई वेट कर रहा है आपका। अरे नहीं भाई मैं वेट कर रहा हूँ किसी का। ठीक है मैं बाद में फोन करता हूँ तुम्हें। हाँ ओके। सॉरी डॉक्टर साहब, मुझे पता नहीं था कि आप फोन पे बात कर रहे हैं।
इट्स ओके बेबी, आपकी गलती नहीं है, आप ना टीवी हो। टीवी? टीवी? मॉम, यू आर गिविंग अ रॉन्ग एग्जांपल। कैलकुलेशन का नजर से नहीं, दिमाग से लेना देना होता है। ओए हेलो, व्हाट डू यू मीन? छीके मार चुके हो। पुत्र, वो तू गिन मत, वो ये पूछ आराम कितना मिला है। मुझे कितना मिला है बताओ तो सही। कितना मिला है? और रत्ती भर नहीं। फिर तो एक बात साफ है कि आपको साइनस की प्रॉब्लम नहीं है। वो तो मैंने कब कहा मेरे को साइनस की प्रॉब्लम है? वो तो तेरी माँ पीछे पड़ी है जबरदस्ती मेरे को छीके दिलवाने में। उजी, मैं तो सिर्फ ये चाह रही थी ना कि आपकी हेडेक की असली प्रॉब्लम क्या है ये पता चल जाए। ओ मेरे हेडेक का रीजन पता क्या है? ओ मेरे हेडेक का रीजन है तू। अब बता मैं इसकी क्या दवा लूं? और जी तुसी है ना ये बेकार दी नॉन सीरियस गल्ला ना किया करो। दिस इज वेरी सीरियस मैटर। डैड, वैसे मैं कल से कह रही हूँ कि एक रीजन आपकी आईसाइट भी हो सकती है। व्हाट डू यू मीन? ओ तेरे कहने का मतलब है मेरी नजर कमजोर हो गई है? क्यों नहीं हो सकती? अरे 40 प्लस के बाद तो दिस इज नॉर्मल। ओ यार शुभ शुभ बोल, ओ मेरी नजर कमजोर हो ही नहीं सकती। क्यों, तुसी क्या सुपरमैन बैठे हो? ओ मैं सुपरमैन नहीं हूँ, ओ लेकिन हमारे खानदान में किसी भी बंदे की नजर इस उम्र में कमजोर नहीं हुई है। पर साडे खानदान के बंदों की नजर ना गिद्ध जैसी है, गिद्ध जैसी। ओ उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं हम। और रहन दो जी, रहन दो। एक निक्की सी कैलकुलेशन करनी पड़ जाए ना तुमको तो ऊपर से नीचे 10 बार देख लेते हो। मॉम, You are giving a wrong example. Calculation का नजर से नहीं, दिमाग से लेना देना होता है। ओए हेलो, ओ व्हाट डू यू मीन? ओ तेरे कहने का मतलब है मेरा दिमाग कमजोर हो गया? नहीं जी नहीं, दिमाग कैसे कमजोर हो सकता है, नजर ही कमजोर होगी। नजर? ओ कुछ भी हो जाए मैं चश्मा पहनने वाला नहीं हूँ। हद है, एक बार आईसाइट चेक कराने में प्रॉब्लम क्या है? ओ यार तुम लोग ना मेरे को इतना परेशान कर दोगे कि ना होते हुए भी मेरे को नजर का चश्मा लग जाएगा। एक मिनट, किसी क्लाइंट ने आना था, मैं देखता हूं। जी हेलो। हेलो जी, मैं अंबर। अंबर? लेकिन फोन तो किसी रोशन का आया था। क्या कहा था? यही कि गड्डी की बुकिंग करवानी है। हाँ, वो फोन मेरे लिए ही आया होगा। एक्चुअली मेरे फ्रेंड के जीजू का नाम रोशन है। ओके ओके, तो वो रोशन जी खुद क्यों नहीं आए? शायद बिजी होंगे। चलो नो इश्यूज, आइए आप अंदर आइए। अंदर? हाँ, लेकिन ये तो आपका घर है ना। तो ट्रेवल एजेंसी का ऑफिस कहाँ है? आपको बुकिंग करवानी है या ट्रेवल एजेंसी का ऑफिस देखना है? ऑफिस देखना है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गड्डी बुक कराना। आ जाओ फिर। बैठो। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। चाय आपका इंतजार कर रही है। हाँ, लेकिन चाय से पहले मैं भी किसी का वेट कर रहा हूँ। किसका वेट कर रहे हैं आप? बहुत टेंशन है। ओह माय गॉड, आपकी बीवी आने वाली है? नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर आस्था जी एक बात बताइए। खैर आपकी भी कोई गलती नहीं है। अरे हुआ क्या? वो एक्चुअली मुझे ही सोचना चाहिए था कि यहाँ गांव में वेस्टर्न टॉयलेट कहाँ मिलेगा।
अच्छा ये बात है, I'm so sorry, actually, मुझे भी पूछ लेना चाहिए था। पूछ कर भी क्या कर लेती हैं आप? कौन सा यहाँ रातों रात बनवा देते हैं? वो तो है, लेकिन आप क्या करेंगे? अब क्या? I'm not used to it. लेकिन अब किया क्या जाए इसका? वही तो मैं सोच रहा हूँ। डॉक्टर साहब, सोचने से कुछ नहीं होगा, इस केस में कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या करूँ मैं, आप ही बताइए। अब माना जी, एक बात बताओ, इस गांव में कोई वेस्टर्न टाइप है क्या? वेस्टर्न टाइप बोले तो अंग्रेजी टाइप का टॉयलेट। हाँ। हाँ तो बेटा, कहाँ के लिए चाहिए टैक्सी? बस जरा घूमने जाना था, ऐसे ही आसपास। ओके, कितने किलोमीटर? किलोमीटर तो पता नहीं, जितना भी होगा देख लेंगे। तो अकेले जा रहे हो? हाँ नहीं नहीं नहीं, फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड या? नहीं नहीं, फ्रेंड्स फ्रेंड्स। घर से परमिशन ले लिए बिना बताए जा रहे हो? नहीं नहीं, घर पे बताया है, मम्मी और पापा दोनों से परमिशन लिए। तो कितने दिनों के लिए चाहिए गड्डी अपने को? एक दिन के लिए। मतलब सुबह जाओगे और शाम को वापस आ जाओगे? जी जी जी, शाम को 7-8 बजे तक वापस कर देंगे। ओके। करते क्या हो बेटा? जी मैं पढ़ता हूँ। कहाँ पे? कॉलेज में। आपकी आईडी की जरूरत होगी बुकिंग के लिए? हाँ लीजिए ना, एक मिनट। ये लीजिए। ओहो बेटा, आपके नाम से तो बुकिंग नहीं हो सकती। हाँ? आपकी तो एज बहुत ही कम है। तो एक काम करिए, मेरे डैड के नाम से बुक कर दीजिए। ही इज अ डॉक्टर, डॉक्टर सुहास कुलकर्णी। क्या? सुहास कुलकर्णी? जी। कहाँ है पापा? यहीं है, बस गए हैं कहीं। यहीं पर हैं या गए हैं कहीं? नहीं नहीं, यहीं पे ही हैं, बस गए हैं ऐसे आसपास। हाँ, वो ज्यादा दूर जा भी नहीं सकते। जी। ओ, मेरे कहने का मतलब डॉक्टर है ना, कभी भी इमरजेंसी कॉल आ जाती है, तो इसलिए ज्यादा दूर जा नहीं सकते। राइट राइट राइट। बेटा यू जस्ट डोंट वरी, तुम्हारी गड्डी की बुकिंग हो जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ कहिए ना। गड्डी सिर्फ हमारा ड्राइवर ही चलाएगा, और तुम में से कोई भी आदमी उससे जिद नहीं करेगा गाड़ी चलाने की। नहीं नहीं अंकल, हम ऐसा क्यों बोलेंगे, और वैसे भी मुझे ड्राइविंग नहीं आती। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बुकिंग कंफर्म करता हूँ बेटा। थैंक यू अंकल। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रात को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं रात को तो नहीं हुई, लेकिन सुबह तकलीफ हो रही है। क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कुछ खास नहीं। अरे कैसे खास नहीं, कोई छोटी बात है क्या? बोलो ना दीदी। अब माना जी, एक बात बताओ, इस गांव में कोई वेस्टर्न टाइप है क्या? वेस्टर्न टाइप बोले तो अंग्रेजी टाइप का टॉयलेट। हाँ, वो सीट वाला। हाँ। है ना? कहाँ? यही थोड़ा दूरी पे। कितना? यही कोई 20 किलोमीटर होगा। 20 किलोमीटर? हाँ, एक रिसोर्ट है हाईवे पे, वहाँ दोनों टाइप का है, मस्त। वैसे वो लोग मुझे जानते हैं, मैं एक फोन कर देता हूँ। वैसे गाड़ी तो आपके पास है ही। हाँ, लेकिन ड्राइवर को रास्ता कैसे पता चलेगा? वो मैं सब समझा दूंगा। वो क्या है, आपका जो ड्राइवर है ना, पड़ोसी गाँव का है, यहाँ के सब रास्ते उसको मालूम है। जल्दी से चले जाइए, सुबह सुबह खाली मिलेगा। हाँ तो बाद में भीड़ हो जाती है। हाँ मैडम, ट्रैफिक हो जाएगा ना हाईवे पे। ओ अच्छा, मतलब सब लोग टॉयलेट यूज करने के लिए उसी रिसोर्ट में जाते हैं? नहीं नहीं, क्यों? फिर भीड़ कैसे हो जाएगी? अरे दीदी, मैं बोला ना रोड पे, आप जल्दी जाओ नहीं तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। हाँ अच्छा, ओहो ये रास्ते की बात कर रहे हैं। आप गाड़ी में बैठिए, तब तक मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ। चल गणपत। I think you should rush. Yeah. Thank you. मुझे बाहर लेके गए कहके कि मरीज बाहर खड़ा है, बूढ़ा है। बाहर जाकर देखा तो इनकी बकरी खड़ी है। कह रहे तेरा दिमाग खराब हो गया? और कह रहे थे कि इसकी तबीयत खराब है, इसको दवा दे दो। देखिए, जानवरों का इलाज ना दूसरे तरह के डॉक्टर्स करते हैं, ये इंसानों का इलाज करते हैं। मैडम वो इंसान की तरह ही है। कहता है कि सिर्फ बोल नहीं सकती है, बाकी सब काम इंसानों की तरह है। साथ में बैठकर चाय पीती है, खाना खाती है, पूजा में भी बैठती है।